अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो हमें केवल वॉइस सुनाई देता है, हम ले लगाकर केवल वॉइस पे ध्यान दें तो कंसंट्रेट होकर ध्यान दें तो हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। केवल हर चैप्टर को एक एक सीरियल वे में आपको दिया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी एक आसान वे में हो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो लगा लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और एक सीरियल से प्लेलिस्ट में सॉल्व क्वेश्चन, यूपी टीजीटी के सॉल्व पेपर और सारे जुलाजी बाटनी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको एक ही चैनल पर आपको सारी जुलाजी बाटनी बायो से संबंधित चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इस पर जाइए और आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दीजिए और हर वक्त तैयारी पर लगे रहिए। आप ले लगाकर अदर वर्क करते हुए भी आप हर वक्त अपनी तैयारी से जुड़े रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज इसी की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम एनीलिडा। एनीलिडा में अर्थवार्म हो गया था, जनरल कैरेक्टर से क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग उसी की कड़ी में देखेंगे नेरीज। क्या देखेंगे? नेरीज पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग पुट अप करेंगे। तो हम लोग पहले सबसे नेरीज की बात करते हैं। नेरीज किस क्लास का इंडिविजुअल है, मतलब नेरीज किस क्लास का इंडिविजुअल है? तो हम कहेंगे नेरीज जो है पॉलीकीटा, पॉलीकीट संबंधित, पॉलीकीट क्लास का इंडिविजुअल है। किस क्लास का है? पॉलीकीट क्लास का इंडिविजुअल है। अगर हम आपसे कहें कि नेरीज जो है इसको और भी किन नामों से हम जानते हैं, नेरीज को और भी काम किस नामों से हम लोग जानते हैं? नेरीज को हम क्लेम वार्म के नाम से जानते हैं, सैंड वार्म के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बापा पूछा जाता है नेरीज का दूसरा सामान्य नाम क्या है, तो क्लेम वार्म और सैंड वार्म है। और आपसे पूछा जाता है कि नेरीज किस क्लास का इंडिविजुअल है, तो नेरीज जो होता है एनीलिडा के किस क्लास का इंडिविजुअल है? एनीलिडा का जो है किस क्लास का है? पॉलीकीटा का है। किस क्लास का इंडिविजुअल है? पॉलीकीटा का है। तो पॉलीकीटा के इंडिविजुअल की कुछ या नेरीज के कुछ हैबिट और हैबिटेट की बात कर लें तो नेरीज जो होता है डीप वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गहरे समुद्र में पाया जाता है। गहरे समुद्र में, डीप सी वाटर में पाया जाता है। क्या? डीप सी वाटर में पाया जाता है, गहरे समुद्रों में पाया जाता है। नेरिज पॉलीकीटा के इंडिविजुअल अधिकतर समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। मुझे मालूम, हम लोगों को मालूम है कि पॉलीकीटा के इंडिविजुअल कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। तो ये डीप सी में पाए जाते हैं। माइकिंग सैंड बारो, मतलब बालू में जो है, सैंड में जो बारो बनाकर रहते हैं, होल बनाकर उसी में रहते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। क्रिटेशियस, क्रिटेशियस इन नेचर परभक्षी होते हैं। और नेचर में कैसे होते हैं? परभक्षी होते हैं, दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। तो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस ही मांसाहारी हैं तो क्रिटेशियस तो होंगे ही, तो मांसाहारी होते हैं। तो क्या है? क्रिटेशियस होते हैं। क्रिटेशियस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिटेशियस नेचर के होते हैं। और अब आपसे कहा जाए कि इनके बॉडी में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? नेरिज के बॉडी में 80 से 200 सेगमेंट पाए जाते हैं। नेरिज के बॉडी में जो है 80 से 200 सेगमेंट पाए जाते हैं। इनका बॉडी कितने भागों में डिवाइड होता है? हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक एंड टेल। ट्रंक को पाइजीडियम भी कहा जाते हैं, टेल को, सॉरी दोस्तों, हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल को पाइजीडियम भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए पाइजीडियम किस जंतु का लक्षण है या पाइजीडियम किसके पार्ट को कहा जाता है, तो नेरिज के टेल को, देखिए हेड, ट्रंक और टेल में बटे होते हैं और टेल को पाइजीडियम कहा जाता है। टेल को क्या कहा जाता है? पाइजीडियम कहते हैं। बॉडी पार्ट तीन भागों में बटा होता है, तो हेड, ट्रंक एंड टेल, टेल को पाइजीडियम कहते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइजीडियम किस में पाया जाता है? तो नेरिज में पाया जाता है। पाइजीडियम किसे कहा जाता है? टेल को। नेरिज के टेल को हम क्या कहते हैं? पाइजीडियम कहते हैं। इनमें टू पेयर्स आई पाई जाती हैं। कितने पेयर आई पाई जाती हैं? टू पेयर्स आई पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है भी है। वन पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल पाए जाते हैं, वन पेयर प्रोस्टोमियल टेंटिकल पाए जाते हैं, वन पेयर प्रोस्टोमियल पल्प पाए जाते हैं। तो एक एक पेयर जो है प्रोस्टोमियम पल्प और प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स पाए जाते हैं। बोथ आर सेंस ऑफ टच। देखिए टेंटिकल्स और पल्प दोनों किसके सेंस को आभास कराते हैं? तो ए सेंस का आभास करते हैं, संवेदना को व्यक्त कराते हैं। टेंटिकल्स और पल्प जिस सेंस को, टच सेंस, किसके टच सेंस को आभास दिलाते हैं? किसी पदार्थ से टच होने पर उसकी आभास को दिलाते हैं। कौन? प्रोस्टोमियम टेंटिकल और प्रोस्टोमियम पल्प, ये एक एक पेयर होते हैं। वन पेयर जो होते हैं, एक पेयर में नुनचल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नुनचल ऑर्गन्स क्या काम करता है? ऑल्फैक्ट्री गंध का ज्ञान कराता है। नुनचल ऑर्गन्स जो होता है यह ऑल्फैक्ट्री या गंध का ज्ञान कराता है। इनमें पेरिस्टोमियम जो होता है, अब पेरिस्टोमियम की बात थोड़ा करें, फर्स्ट टू सेगमेंट में पेरिस्टोमियम पाए जाते हैं। फर्स्ट टू सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं।
फर्स्ट ट्रू सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। सेकंड पेयर पेरिस्टोमियम सीरी, सेकंड पेयर को में सीरी पाया जाता है। प्रोस्टीमियम पेरिस्टीमियम को पेरिस्टीमियम सेकंड सेकंड जो सेगमेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है, सीरी पाया जाता है सीरी। तो फर्स्ट ट्रू सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं और सेकंड सेकंड पेयर पेरिस्टीमियम सीरी पाया जाता है। पेरिस्टीमियम के सेकंड सीरी पर क्या पाया जाता है, पार्ट पे सेकंड पेयर पेरिस्टोमियम सीरी, सेकंड पेयर पेरिस्टोमियम पर सीरी पाया जाता है। तो वन पेयर पेरिस्टोमियम वन पेयर पैरापोडिया इज ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में वन पेयर क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है, पैरापोडिया सेगमेंट पाया जाता है। फ्रॉम सेकंड टू लास्ट एंड इंक्लूडिंग लास्ट सेगमेंट, मतलब के तो वन पेयर पैरापोडिया पाया जाता है, वन पेयर पैरापोडिया इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में नेरिज के प्रत्येक सेगमेंट में वन पेयर पैरापोडिया पाया जाता है। फ्रॉम सेकंड टू लास्ट मतलब सेकंड सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक, मतलब लास्ट सेगमेंट तक क्या पाया जाते हैं, पैरापोडिया, फर्स्ट में नहीं पाया जाता है और लास्ट तक क्या पैरापोडिया पाया जाता है। पैरापोडिया के कुछ करेक्टर हम देखते हैं, पूरे की बात नहीं है, हम लोग कुछ जैसे एपरेचर की बात करते हैं, कुछ छिद्र कौन कौन से इसमें छिद्र पाए जाते हैं, एपरेचर की बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी बारीक छिद्र पाए जाते हैं, माउथ पाया जाता है, एनस पाया जाता है, नेफ्रेडियो पोर पाया जाता है। कौन कौन से एपरेटस पाए जाते हैं जिसमें जो छिद्रयुक्त होते हैं, तो माउथ, एनस, नेफ्रेडियो पोर। तो पोर तीन पाए जाते हैं, माउथ, एनस, नेफ्रेडियो पोर, एपरेटस ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं नेरिज में। देखिए नेफ्रेडियो पोर जो नेरिज में पाया जाता है, नेफ्रीडियो पोर जो नेरिज में पाया जाता है, वन पेयर इन ई सेगमेंट, वन पेयर ये छिद्र होते हैं, नेफ्रीडियो पोर क्या है, छिद्र हैं। तो वन पेयर इन ई सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में एक जो है नेफ्रीडियो पोर पाया जाता है, नियर वेंट्रल सीरी, वेंट्रल सीरी के पास में ये पाए जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में नहीं पाया जाता है नेफ्रीडियो पोर। ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट में नेफ्रीडियो पोर छिद्र जो नेफ्रीडियो पोर का पाया जाता है उसे फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट में नहीं पाया जाता, और सभी सेगमेंट में पाया जाता है वेंट्रल सीरी के पास, वेंट्रल सीरी के पास जो है नेफ्रीडियो पोर पाया जाता है। अगर बॉडी वाल की हम बात करें, तो नेरिज की बॉडी वाल की बात करें, तो नेरिज के सबसे बाहर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल पाया जाता है बॉडी पे, फिर एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर मसल्स लेयर पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, मसल्स लेयर पाया जाता है, फिर सिलोमिक एपिथिलियम पाया जाता है, सिलोमिक एपिथिलियम पाया जाता है। ये चार लेयर हम पता कर सकते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल लेयर और सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक एपिथिलियम, सिलोमिक एपिथिलियम पैरिएटल लेयर भी कहते हैं, सिलोमिक एपिथिलियम को पैरिएटल लेयर भी कहते हैं। तो चार लेयर हम लोगों ने देखा कि नेरिज की बॉडी वाल चार लेयर से बनी है, क्यूटिकल सबसे बाहर, एपिडर्मिस उसके बाद, मसल्स लेयर फिर सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक एपिथिलियम जिसे पैरिएटल लेयर भी कहते हैं। और हम देखें मसल्स लेयर भी तीन प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। मसल्स लेयर जो होती है, जो तीसरी लेयर है, यानी कि यह तीन प्रकार की लेयर कोशिकाओं से बनी होती है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। तो इनमें मसल्स लेयर जो होती है तीन प्रकार की कोशिकाओं से, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू में होता है कि त्रिकोणाकार अनेक दूसरी प्रकार आकार की कोशिकाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं, सर्कुलर भी कोशिकाएं, सर्कुलर गोल होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लंबी लंबी होती हैं। ऑब्लिक्यू में से इसकी कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होती, अनेक दूसरी स्ट्रक्चर में होती है, जैसे त्रिकोणाकार, मतलब अनेक दूसरे स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मसल्स लेयर में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक्यू प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इनकी बॉडी वाल तीन प्रकार की लेयर से बनी होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मसल्स लेयर में तीन प्रकार की सेल पाई जाती हैं। हम लोगों ने देखा सिलोमिक एपिथिलियम को, जो चौथा लेयर है सिलोमिक एपिथिलियम को, हम क्या कहते हैं, पैरिएटल लेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरिएटल लेयर कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी बॉडी कैविटी कैसी पाई जाती है, बॉडी कैविटी सिलोमिक होती है, ट्रू सिलोम पाया जाता है, बॉडी कैविटी में सिलोमिक होती हैं। और मसल्स कैसी किस प्रकार की होती है, बॉडी कैविटी मसल्स सर्कुलर होती है, कैसी होती है, सर्कुलर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल को टू टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं, इनमें जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है ये तो टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, डार्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स चार ग्रुप में पाए जाते हैं, डार्सल लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो होते हैं ये फोर ग्रुप में पाए जाते हैं। नेरिज में जो है जो बॉडी कैविटी होती है उसमें सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ऑब्लिक भी पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल में क्या होता है, देखिए बॉडी कैविटी में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, बॉडी वाल में चार होती हैं
और बॉडी कैविटी में दो प्रकार की मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल में जो डार्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स चार ग्रुप में पाए जाते हैं। डार्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल दो प्रकार के होते हैं, डार्सल और वेंट्रल। वेंट्रल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स टू ग्रुप में पाए जाते हैं। डार्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल फोर ग्रुप में पाए जाती है। वेंट्रल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दो ग्रुप में होते हैं। ऑब्लिक्यू लॉन्गिट्यूडनल मसल इसमें पाए जाते हैं। ऑब्लिक्यू जैसे मैंने बताया कि कोई शेप नहीं त्रिभुजाकार और भी दूसरे आकार के हों उसे ऑब्लिक्यू कहते हैं। ऑब्लिक्यू लॉन्गिट्यूडनल मसल इसमें पाया जाता है। तो ये तीन प्रकार की मसल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक्यू लॉन्गिट्यूडनल मसल इसमें पाए जाते हैं। नेरिज नो है परमानेंट गोनेट, नेरिज में कोई परमानेंट गोनेट नहीं पाया जाता है, ये बिगड़ते बनते रहते हैं तो इसीलिए इसमें कोई परमानेंट गोनेट नहीं पाए जाते हैं। है टेम्प्रेरी गोनेट, इसमें टेम्प्रेरी गोनेट पाए जाते हैं। डेवलप इन सिलोम बाय सिलोमिक एपिथीलियम, सिलोम का डेवलपमेंट सिलोमिक एपिथीलियम से होता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, किस समय? ब्रीडिंग सीजन के समय सिलोम का फॉर्मेशन सिलोमिक एपिथीलियम के द्वारा होता है। अब हमें इसमें लोकोमोशन देख लेते हैं, लोकोमोशन किस प्रकार से नेरिज करता है, तो लोकोमोशन को देखते हैं हम लोग। तो नेरिज में लोकोमोशन जो होता है, देखिए लोकोमोशन नेरिज दो प्रकार से करता है, एक प्रकार से होता है क्रावलिंग करता है, एक स्विमिंग करता है। क्रावलिंग कैसे करता है, फिर नेरिज सबस्टेटम ऑन सबस्टेटम, जब किसी सबस्टेटम अटैच होकर नेरिज चलता है, नेरिज जब किसी सबस्टेटम से अटैच होकर चलता है तो वह स्लो भी चल सकता है और फास्ट भी चल सकता है, इसे क्रावलिंग कहते हैं। क्रावलिंग करना मतलब नेरिज जो होता है किसी सबस्टेटम से जब अटैच होकर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रावलिंग कहते हैं। स्विमिंग तो आप जानते हैं तैरना, तो जब ये तैर कर वाटर में क्या करता है, इनसाइड वाटर के अंदर जब ये तैरता है तो इसे क्या कहते हैं, स्विमिंग के द्वारा चलता है। तो दो प्रकार से ये क्रावलिंग जब किसी सबस्टेटम से अटैच होकर चलता है तो फास्ट और स्लो भी चल सकता है। तो स्विमिंग के द्वारा और क्रावलिंग के द्वारा इसमें लोकोमोशन पाया जाता है, इसमें क्या लोकोमोशन पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो नेरिज में डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल को हम अगर देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। फोरगट को क्या बोला जाता है, स्टोमोडियम। फोरगट को क्या बोला जाता है, स्टोमोडियम बोला जाता है। और मिडगट को मिजोडियम बोला जाता है, स्टोमोडियम, मिजोडियम और प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम हिंडगट को बोला जाता है, मिडगट को मिजोडियम बोला जाता है, स्टोमोडियम जो है फोरगट को जो तीन प्रकार के, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, स्टोमोडियम, मिजोडियम और प्रोक्टोडियम, ये चार प्रकार के गट पाए जाते हैं। तो स्टोमोडियम, मिजोडियम, प्रोक्टोडियम, तो ये तीन एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट, मिडगट और हिंडगट पाए जाते हैं। स्टोमोडियम, मिजोडियम, प्रोक्टोडियम पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फैरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। देखिए स्टमक और इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ओइसोफेगस के बाद स्टमक पड़ता है, इंटेस्टाइन पड़ता है। स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को हम क्या करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं। प्रोलाइटिक, एनोलाइटिक और लिपोलाइटिक, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। प्रोलाइटिक, एनोलाइटिक और लिपोलाइटिक ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं नेरिज में। अगर रिस्पायरेशन हम लोग देख लें, रिस्पायरेशन इसमें कैसे, किस प्रकार का होता है, देखिए श्वसन कैसे करता है नेरिज। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ क्यूटेनियस, जो इसके से रिस्पायरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया के हेल्प से क्यूटेनियस के द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात हम लोग करें तो हम लोग जानते हैं एनिलिडा में किस प्रकार का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो क्लोज टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, क्लोज प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। ब्लड वेसल्स अगर हम देखें तो कौन कौन सी पाई जाती हैं, डार्सल ब्लड वेसल होता है, देखिए डार्सल ब्लड वेसल होता है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल हो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल कलेक्टिंग इसमें है, डार्सल ब्लड वेसल इसमें क्या है, कलेक्टिंग ब्लड वेसल है। और इसमें फॉर्म क्या था, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों था, ये ध्यान दीजिए, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डार्सल ब्लड वेसल जिसमें जो था अर्थवाल में दोनों था, लेकिन इसमें डार्सल ब्लड वेसल जो है कलेक्टिंग ब्लड वेसल से वेरी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल ब्लड वेसल जो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल से, कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल से, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल ब्लड वेसल जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम अर्थवाल में देखें उसमें भी वेंट्रल ब्लड वेसल जो था डिस्ट्रीब्यूटिंग था, कैसे था, केवल डिस्ट्रीब्यूटिंग था,
तो इसमें जो है वेंट्रल ब्लड वेसल केवल डिस्ट्रीब्यूटिंग था और डार्सल ब्लड वेसल इसमें कलेक्टिंग है, लेकिन उसमें कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दोनों था। ठीक है, अगर इसी में अगला ब्लड वेसल्स में जो है कमेंसेलिज में पाया जाता है। कमेंसेलिज में मतलब होता है जोड़ने का काम करता है, कुछ पार्ट होते हैं जो जोड़ने का कमेंसेलिज में पाया जाता है। ब्लड प्लेक्सस पाए जाते हैं। इसमें कमेंसेलिज, वेंट्रल ब्लड वेसल, डार्सल ब्लड वेसल, कमेंसेलिज मतलब होता है कि एक एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ब्लड प्लेक्सस में जाल बनाते हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक जाल बनाते हैं, कमेंसेलिज में पाई जाती है। अगर लेटरल हार्ट एंड लेटरल ओसोफेगस आर एबसेंट, इसमें एक दो चीज़ें एबसेंट होती हैं, लेटरल हार्ट नहीं पाया जाता है और लेटरल ओसोफेगस इसमें एबसेंट होते हैं। तो लीच जो है नेरीज में लेटरल हार्ट और लेटरल ओसोफेगस क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। लेटरल हार्ट और लेटरल ओसोफेगस नेरीज में एबसेंट होता है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, उत्सर्जन इसमें कैसे होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा करता है। देखिए जो नेरीज होते हैं उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं, नेफ्रिडिया के द्वारा करते हैं। मेटानेफ्रिक होते हैं। नेफ्रिडिया किस प्रकार का होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। और वन पेयर ऑफ ई सेगमेंट, ये जो है नेफ्रिडिया वन पेयर जो है ई सेगमेंट में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। वन पेयर ऑफ ई सेगमेंट में नेफ्रिडिया की पाए जाते हैं। और नेफ्रिडिया किस प्रकार का होता है, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। और नेफ्रिडिया जो किस प्रकार के होते हैं, एक्सोनेफ्रिक होते हैं, एक्सोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, एक्सोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। और प्रत्येक पेयर में एक सेगमेंट, प्रत्येक वन पेयर ऑफ ई सेगमेंट, देखिए नेफ्रिडिया वन पेयर ऑफ ई सेगमेंट, एक पेयर जोड़ा जो है नेफ्रिडिया पाया जाता है, प्रत्येक सेगमेंट में पाया जाता है। एक्सोनेफ्रिक होते हैं, ओपन आउटसाइड थ्रो नेफ्रिडियोपोर, मतलब ये बाहर खुलते हैं किसके द्वारा, नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर कर खुलते हैं। प्रेजेंट ए न्यू वेंट्रल सीरी, मतलब कहाँ पे, जहाँ वेंट्रल सीरी होता है वहाँ पे आने पैरापोडिया, पैरापोडिया पे क्या पाया जाता है, वेंट्रल सीरी पाया जाता है और वहीं पे नेफ्रिडिया पोर खुलता है, वहीं पे क्या नेफ्रिडिया पोर खुलता है। तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि जल में रहता है तो अमोनोटेलिक होगा। अमोनोटेलिक एनिमल है या अमोनोटेलिक इंडिविजुअल है, तो नेरीज कैसा है, अमोनोटेलिक इंडिविजुअल है। नर्वस सिस्टम की बात हम इसके कर लें तो नेरीज का नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, सीएनएस नर्व रिंग पाया जाता है। या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व रिंग थर्ड सेगमेंट तक, वन से लेकर थर्ड सेगमेंट तक नर्व रिंग पाए जाते हैं। कैसे नर्व रिंग पाए जाते हैं, पीएनएस पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो होता है, पेरीफेरल पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो होता है, फोर्थ सेगमेंट से लास्ट तक पाया जाता है। पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो होता है, नर्व सिस्टम जो होता है फोर्थ सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे पाया जाता है। नर्व रिंग से एक से थर्ड सेगमेंट तक पाया जाता है, थर्ड सेगमेंट में पाया जाता है। नर्व रिंग अप टू थर्ड सेगमेंट तक पाया जाता है, पहले से थर्ड तक पाया जाता है। और पेरीफेरल कहाँ तक पाया जाता है, फोर्थ टू लास्ट सेगमेंट तक, फोर्थ से लास्ट सेगमेंट तक पीएनएस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ऑटो नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ऑटो नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं, नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं, नर्व के जाल पाए जाते हैं, प्लेक्सस मीन्स जाल होता है, नर्व जाल पाए जाते हैं। ये नर्व जाल तो फेरेंजियल रीजन में पाए जाते हैं। नर्व जाल जो होते हैं ये जो ऑटो नर्व सिस्टम होते हैं फेरेंजियल रीजन में पाए जाते हैं। नर्व प्लेक्सस जो होती हैं, नर्व जाल जो होती हैं फेरेंजियल रीजन में पाई जाती है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। इसमें तीनों सेंट्रल जो थर्ड तक पाया जाता है, पेरीफेरल फोर्थ से लास्ट तक पाए जाते हैं, और ऑटो नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो नर्व प्लेक्सस नर्व जाल होती हैं वह फेरेंजियल रीजन में पाई जाती हैं, इसके फेरेंजियल रीजन में पाई जाती हैं। ऑटो नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, जो फेरिंग्स में पाया जाता है, इसमें सिलोम जो होता है, सिलोम ओरिजिन सिलोमिक एपिथेलियम पाया जाता है। गोनेट विदाउट गोनोडक्स, गोनेट इसमें पाए जाते हैं लेकिन विदाउट गोनोडक्स में गोनोडक्स नहीं पाए जाते हैं। गैमेट रिड्यूस इन, इनके गोनेट्स जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं और कम्स आउट थ्रो नेफ्रिडियोपोर, और नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये बाहर आ जाते हैं। गोनेट्स जो होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं और सिलोमिक कम्स मतलब सिलोम जो होता है सिलोमिक फ्लूड के द्वारा क्या होते हैं, नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर आ जाते हैं। अब हम इसमें दो हेट्रोनेरीज की बात कर लें, हेट्रोनेरीज एंड इपिटोकी क्या है, इपिटोकी और हेट्रोनेरीज की बात करते हैं हम लोग। स्पेसिफिक फेनोमेना,
इन विच बॉडी गेट डिफरेंटिएटेड इनटू टू स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक फेनोमेनन, देखिए इनकी बॉडी जो होती है नीरज की टू पार्ट में डिफरेंटिएट हो जाता है। एंटीरियर रीजन इज विदाउट गोनेट, एंटीरियर रीजन में जब गोनेट नहीं पाए जाते हैं। एंड सिंपल पैरापोडिया कॉल्ड एटो, केवल सिंपल पैरापोडिया पाया जाता है उसे एटो कहते हैं। देखिए जब फर्टिलाइजेशन कंडीशन आती है, जब ये फर्टिलाइज करने को होते हैं तो क्या करते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन आता है। एंटीरियर रीजन में विदाउट गोनेट होते हैं, एंटीरियर रीजन में जो पाया जाता है पार्ट वह विदाउट गोनेट होते हैं। सिंपल पैरापोडिया इसमें पाए जाते हैं, जिसमें सिंपल पैरापोडिया पाया जाता है उसे एटोक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एटोक कहते हैं या नॉन सेक्सुअल पार्ट कहते हैं जिसे, या एटोक कहें एटोक। अभी आपको आता है एपिटोक क्या है, एटोक क्या है, एक पॉइंट पूछा जाता है एपिटोक किस में पाया जाता है, या एटोक किसे, एटोक क्या है, एसेक्सुअल पार्ट होता है। एपिटोक क्या है, एसेक्सुअल पार्ट होता है, नॉन सेक्सुअल पार्ट होता है। पोस्टीरियर रीजन डेवलप गोनेट, पोस्टीरियर रीजन गोनेट डेवलप होता है कॉल्ड एपिटोक, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटोक कहते हैं। एपिटोक, एटोक का मतलब जानिए, एटोक जो एंटीरियर आगे के पोर्शन में पाया जाता है, जो जिसमें सेक्सुअल पार्ट नहीं पाए जाते हैं, जिसमें गोनेट अब्सेंट होता है, गोनेट अब्सेंट होता है। एटोक जो होता है एंटीरियर पोर्शन पे जिसमें गोनेट नहीं बनते हैं और नॉन सेक्सुअल पार्ट, उसे हम नॉन सेक्सुअल पार्ट कहते हैं। पोस्टीरियर रीजन पे बिटवीन गोनेट, देखिए डेवलप गोनेट, गोनेट का डेवलपमेंट हो जाता है, उस पार्ट को एपिटोक कहते हैं और सेक्सुअल पार्ट होता है। एक ऐसा पार्ट होता है एपिटोक का हो या सेक्सुअल पार्ट का हो, दिस फेनोमेनन इज नोन एपिटोक सेक्सुअल पार्ट। तो एपिटोक हमसे कहते हैं जब उसमें गोनेट का डेवलपमेंट हो जाता है पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट पे, तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, एपिटोक या सेक्सुअल पार्ट कहते हैं। दिस फेनोमेनन, देखिए इसी एपिटोक को, इस फेनोमेनन को जो एपिटोक बन जाने की प्रक्रिया को हेट्रोनेरिज कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोनेरिज कहते हैं। जब उसमें एपिटोक की बन जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जो हेट्रोनेरिज कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोनेरिज कहते हैं। तो स्वार्मिंग, अब हम लोग देखते हैं इसमें स्वार्मिंग करते हैं, जब ये लोग स्वार्मिंग की क्रिया करते हैं, स्वार्मिंग में झुंड होता है, और या जब रिप्रोडक्शन करते हैं गोनेट को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वार्मिंग कहते हैं। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जब जब अनुकूल स्पेसिफिक कंडीशन आता है, लाइक ए पार्टिकुलर स्टेज ऑफ लूनर साइकिल, इन्हें लूनर साइकिल करते हैं, ये लूनर साइकिल में चंद्रमा के समय आधार पर गत करते हैं, चंद्रमा के आधार पर गत करते हैं। कम आउट मतलब बाहर आता है विथ लो टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ नेरिज, कम टेम्परेचर पे जब चंद्रमा के आधार पे गत करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ नेरिज क्या कहते हैं, कम आउट रिलीज इन गोनेट, बाहर आते हैं और गोनेट को रिलीज करते हैं, गोनेट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन वाटर, वाटर में रिलीज करते हैं। अब जब वाटर में ये गोनेट को रिलीज करते हैं, इनका बॉडी क्या होती है, बॉडी फट जाती है और ये मेल और फीमेल जो होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, मेल और फीमेल जो होती है इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन टैक प्लेस, इनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है, टैक प्लेस स्टॉर्मली इन वाटर फार्मिंग, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वाटर के अंदर होता है, इनमें जो होता है फर्टिलाइजेशन जो है वाटर के अंदर होता है, दोनों के मेल और फीमेल के जो है गोनेट्स मिलते हैं जल में, तो स्ट्रॉन्गली इन वाटर में होता है, तो वाटर के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इनमें जो जायगोट बनता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज स्पायरल इक्वल स्पायरल डिटर्मिनेट प्रकार का होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, स्पायरल और इक्वल डिटर्मिनेट स्पायरल इक्वल स्पायरल अनडिटर्मिनेट प्रकार का होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें पाया जाता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें पाया जाता है। उसके बाद अनइक्वल क्लीवेज भी होता है इसमें, उसके बाद अनइक्वल क्लीवेज भी होता है। सो दिस सेल रिंग ऊपर के साइड में अनइक्वल माइक्रोमियर और माइक्रोमियर्स बनाते हैं, माइक्रोमियर ऊपर साइड में और माइक्रोमियर नीचे बनाते हैं, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोमियर्स जिसे कहते हैं, ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेल ब्लास्टोमियर कहते हैं हम, ब्लास्टुला में छोटे छोटे जो सेल पाए जाते हैं उसे हम, जो सेल्स चारों ओर से कवरिंग करते हैं ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोसील बीच में बनता है, जो स्पेस होता है ब्लास्टुला में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोमियर बगल बगल उसकी जो सेल्स पाए जाते हैं उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला में जो है आर्केंट्रान बनता है, जो स्पेस होता है आर्केंट्रान, ब्लास्टोपोर बनता है, इक्टोडर्म पाया जाता है, हाँ तो एंडोडर्म, इक्टोडर्म दो लेयर इसमें पाई जाती है, दो लेयर इक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। उसके बाद ब्लास्टुला के बाद क्या बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा का फॉर्मेशन होता है, ट्रोकोफोर लार्वा किस में बनता है, नेरिज में, आप जानते रहिए ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है पैकेटिन पॉलीकिटा में, पॉलीकिटा क्लास में पाया जाता है,
ट्रोकोफोलार्वा एनी लिडा में बनते हैं, ध्यान दीजिए एनी लिडा में ट्रोकोफोलार्वा बनते हैं, पालीकीटा में ट्रोकोफोलार्वा बनते हैं, नेरीज में ट्रोकोफोलार्वा बनता है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाया जाता है, ट्रोकोफोलार्वा में एलिमेंट्री कैनाल पाया जाए, एनएस का फॉर्मेशन होता है, ट्रोकोफोर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोफोलार्वा किस में पाया जाता है, नेरीज में पाया जाता है, आप एनी लिडा पूछे तो एनी लिडा में पॉलीकीटा में पाया जाता है। इसमें जो लार्वा होता है, लार्वा की कुछ हम कैरेक्टर देख लें, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ट्रोकोफोलार्वा किस प्रकार का होता है, फ्री स्विमिंग होता है, पैलेजिक लार्वा स्विमिंग फीडिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है इसलिए फीडिंग भी करता है, फीडिंग की करता है। देखिए कुछ समय तक फ्री स्विमिंग के बाद क्या करता है जो ग्लोच ट्रोकोफोलार्वा जो होता है नेरीज में जो पाया जाता है ट्रोकोफोलार्वा, या एनिलिडा पूछ ले कभी एनिलिडा में कौन सा लार्वा पाया जाता है ट्रोकोफोर, नेरीज में कौन सा पाया जाता है ट्रोकोफोर, पॉलीकीटा में कौन सा लार्वा पाया जाता है ट्रोकोफोर पाया जाता है। आफ्टर फ्री स्विमिंग इट मैच अंडर गोज मेटामार्फोसिस, फ्री स्विमिंग के बाद क्या करता है या मेटामार्फोसिस करता है, ड्यूरिंग मेटामार्फोसिस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ग्रेजुअली स्टार, क्या होता है जब यह मेटामॉर्फोसिस करता रहता है तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो होता है यह स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है इसको इसमें स्टार्ट हो जाता है। देखिए इनकी बॉडी में डीजेनरेशन होता है और क्या होता है इनकी बॉडी जो कन्वर्ट हो जाता है न्यू नेरीज में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रकार से इनकी बॉडी न्यू नेरीज में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों नेरीज से संबंधित जो यहाँ पे कुछ पॉइंट थे हमने आपसे चर्चा की, यदि हम इसमें से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेरीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोनेरीज फेज ऑफ निमेंथीज, निमेंथीज में हेट्रोनेरीज के कंडीशन को क्या कहा जाता है, इपीटोक कहा जाता है, इपीटोक मैंने बताया ए टोक और इपीटोक, ए टोक जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते हैं, जिसमें सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होते उसे ए टोक कहते हैं। हेट्रोनेरीज किसे कहते हैं, जब इपीटोक कंडीशन आ जाती है, जब इपीटोक कंडीशन आ जाती है उसे हेट्रोनेरीज कहते हैं। द ट्रोकोफोर लार्वा इज निमेंथीज इज कैरेक्टरिस्ट बाई पोजिशन ऑफ, तो क्या कह रहा है ट्रोकोफोलार्वा में कौन सा कैरेक्टर इसमें से पाया जाता है, ये कह रहा है ट्रोकोफोलार्वा में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें पाया जाता है, ये कह रहा है बोथ एपिकल रो ऑफ सीलिया, बोथ एपिकल रो पे सीलिया पाया जाता है एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया, हॉरिजेंटल रो पे भी सीलिया पाया जाता है। तो ट्रोकोफोलार्वा में बोथ एपिकल रो पे और हॉरिजेंटल रो पे सीलिया पाया जाता है, जबकि एपिकल ऑफ सीलिया एलोन ये सब नहीं पाया जाता है, वेंट्रल रो ऑफ सीलिया एलोन ये नहीं पाया जाता है, बोथ एपिकल रो ऑफ सीलिया और हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेरीज का मेन करेक्टर जो लार्वा का मेन करेक्टर है उसमें दोनों प्रकार के बोथ एपिकल एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया पाया जाता है, ये ध्यान दीजिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ एपिकल एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है किसमें, ट्रोकोफोलार्वा ऑफ नेरीज, ट्रोकोफोलार्वा नेरीज में बोथ एपिकल एंड हॉरिजेंटल रो ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लावार्म, कितने आई प्रेजेंट होते हैं क्लामवार्म, क्लेम वार्म किसे कहते हैं, नेरीज को कहते हैं, क्लेम वार्म में कितने आई पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं टू पेयर्स, हम लोग ने पढ़ा था कि टू पेयर्स ऑफ नेरीज प्रेजेंट इन क्लेम वार्म में पाया जाता है, क्लेम वार्म नेरीज को कहते हैं। इसमें दो जोड़ी वर्णित आंखें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इपीटोक इन नेरीज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, डाइजेशन से है कि एक्सक्रीशन से है कि रिस्पायरेशन से है कि रिप्रोडक्शन से, किससे संबंधित है तो रिप्रोडक्शन से, किससे संबंधित है रिप्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन है न्यूचुअल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरीज, न्यूचुअल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरीज में पाया जाता है रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यूचुअल ऑर्गन्स पाया जाता है नेरीज में या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था, तो घ्राण गंध संबंधी कार्य के लिए उत्तर है, न्यूचुअल ऑर्गन्स जो नेरीज में पाया जाता है वह घ्राण संबंधी के लिए उत्तरदायी होती है, घ्राण अथवा गंध संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन ए ट्रंक, उनके ट्रंक में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, कौन से एनिमल में, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके ट्रंक में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नेरीज के ट्रंक में, किसमें, नेरीज में, नेरीज के ट्रंक में परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है क्योंकि ट्रंक क्षेत्र में वाइटल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रंक के क्षेत्र में वाइटल ऑर्गन्स जैविक अंग जो जैविक कार्य करते हैं वे अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसमें जो है परिवहन तंत्र एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें नहीं पाए जाते हैं। सिंप्यूकुलस में परिवहन तंत्र सुतंत्र अनुपस्थित होता है, इसमें रक्त संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ट्रंक की बात हो या सिंप्यूकुलस की बात करें दोनों में रक्त परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, सुतंत्र भी इनमें
सिंपुकुलस में नहीं पाया जाता है। पॉलीगार्डियस एक समुद्री एनिलिड है। पॉलीगार्डियस जो है एक समुद्री क्या है? पॉलीगार्डियल एक समुद्री एनिलिड होता है। हेट्रोनेरीज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीज एक्वायरस। देखिए हेट्रोनेरीज क्या बदल कर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अब हेट्रोनेरीज में क्या परिवर्तन होता है? तो एनलार्ज पैरापोडिया क्या करता है हेट्रोनेरीज? हेट्रोनेरीज किसे कहते हैं, क्या परिवर्तन होने के बाद उसे हेट्रोनेरीज कहते हैं? एनलार्ज द पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर हाफ पे इनकी बॉडी में जो बड़े हो जाते हैं पैरापोडिया, उसी को हेट्रोनेरीज कहते हैं। नेरीज के हेट्रोनेरीज में रूपांतरण के दौरान पैरापोडिया शरीर के आधे पश्च भाग में बहुत बड़ी और विशिष्ट प्रकार की हो जाती है। पेरिस्टोमियल सिरा बड़ी हो जाती है। पेरिस्टोमियल सिरा बड़ी हो जाती है। आंत इंटेस्टाइन दबा हुआ कार्यशील नहीं होता है, उसमें इंटेस्टाइन दबा हुआ होता है। पेरिस्टोमियल सिरा बड़ी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चरल रिलेटेड टू, पैरापोडिया संबंधित है किससे संबंधित है? पैरापोडिया जो है वह किससे संबंधित है? तो पैरापोडिया जो होता है लोकोमोशन और रिस्पायरेशन श्वसन से संबंधित है। पैरापोडिया गमन और श्वसन से संबंधित अंग है। यह चपटा मांसल वर्टिकल फ्लैप जैसे बाहरी भार होता है। पैरापोडिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पैरा इसका अर्थ है बिसाइड और दूसरा है पोडिया जिसका अर्थ है पाद। पैरापोडिया जो है पॉलीकिड वर्ग, पॉलीकिड वर्ग में पाया जाता है, वर्ग में पाया जाता है वाली एक खंडीय संरचना है। यह चलन और श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेट्रोनेरीज नेरीज अवस्था के रूपांतरण के दौरान अग्रहित होता है। हेट्रोनेरीज नेरीज अवस्था के रूपांतरण के दौरान अग्रहित होता है। हेट्रोनेरीज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीज एक्वायर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो कब होता है? शरीर के पश्च भाग में लंबे आकार के पैरापोडिया में परिवर्तन होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? शरीर के पश्च भाग में लंबे आकार पैरापोडिया में बनने से उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोनेरीज कहते हैं। और आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बाहर की ओर निकल आती हैं और आंतें सिकुड़ जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। आंतें सिकुड़ जाती हैं और उस समय क्या होता है? आंत सिकुड़ जाती है और काम करना बंद कर देती हैं और आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी और बाहर निकल आती हैं। किस समय? जब यह हेट्रोनेरीज में रूपांतरित होता है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हेट्रोनेरीज की चर्चा आज हम लोगों ने किया, जिससे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित अवश्य हेल्पफुल होंगे, आपको लगेगा कि हमने क्या तैयारी किया। तो प्यारे दोस्तों इसको बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जूलॉजी बॉटनी से संबंधित चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। और भी जो आपके TGT PGT से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाइए और स्टडी करिए। यदि आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जितने भी अदर वीडियो डाले जाएं आपको मिलते रहें। इसी के साथ आपको मैं थैंक यू करता हूं फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।